नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को दो लड्डू दिए और एक छोटे बर्तन में पानी भर दिया। माँ ने कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगी कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं या अपने लिए अच्छा सा वर मांगूं या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुम जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया।